अलसीराम जी है और यहाँ मंडोर के ही रहने वाले हैं। अलसीराम जी अभी जो गाय के जो चारे का काम करते हैं यहाँ पर मंडोर में ही, इनको क्या क्या समस्या थी आइए हम इनसे खुद से ही जानते हैं। अलसीराम जी क्या क्या समस्या थी आपको? सर, मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ मैंने काफ़ी एक्सरे भी करवाया था, कुछ रिजल्ट नहीं आया था। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया था, उसने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। फिर मैंने वहाँ से, मेरी सिस्टर दुर्गा टाक पास में आया था, सर से मिलवाया था। सर से बात हुई थी कि अभी शर्मा जी सर से मिलो आप, और सर ने बोला कि MRI करवाओ आप। MRI करे तो सर को पता चला कि इसको AVN की प्रॉब्लम है। फिर सर मुझे ट्रीटमेंट दिया और अभी काफ़ी मुझे 100% से 80% मैं सही हूँ अभी। क्या क्या तकलीफ होती थी उस समय उस समय आपको? सर मेरा उठना बैठना भी भारी पड़ता था। अगर मेरे को बाथरूम में जाना पड़ता ना, तो मैं स्टेज का सहारा लेकर जाना पड़ता था। अब मैं अब खुद खड़ा हो सकता हूँ, आपे तापे सब मेरा काम पूरा हैंडल कर सकता हूँ मैं पहले खुद। आप उठ बैठने में आपको समस्या मुझे थी, 1 महीने तक ऐसी हालत खराब हो गई मेरी, पूछे मत। अभी आप बैठ केयर उठ बैठ केयर मेरे को बताओ, अगर आप कर सकते हो तो वहां आलती पालती मार सकते हो? बिल्कुल सर, पहले पहले से जहाँ पहले था ना, मैं बचपन में उस कंडीशन अब वापिस हो गए हूँ। हाँ कैसे आप पहले मैं अगर इधर अब मैं बैठे आराम हुए से हो? खड़ा हो यूं ही सकता यूं हूँ, ही ऐसे ही ये रखे? आराम से खड़ा हो सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, वापस खड़ा हो सकता हूँ। और पहले ये पैर है ना सर, इससे ज़्यादा नहीं उठता। अब मैं आराम से ले सकता हूँ, पूरा मत उठ, कोई दिक्कत नहीं, पहले जैसा महसूस करता हूँ। दर्द में भी, दर्द भी नहीं, बहुत ज्यादा दर्द था पहले पहले। तो इतना दर्द था कि एक कदम भी नहीं पार कर सकता था। चलो मैं थोड़ा ब्रीफ इनके कर दूं। जब हमने इनकी MRI की रिपोर्ट कराई थी जो 27 मई 2024 की है, उसमें इनको सेकंड ग्रेड आया था, इनको AVN की समस्या, राइट राइट पैर में, है राइट सर, ना, राइट पैर में इनको AVN की समस्या थी। AVN जो होता है वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, जिसमें खून की सप्लाई बंद ही हो जाती है, जिसमें पैर में इनके जो AVN का जो हिप जॉइंट है उसमें खून की सप्लाई है वो नहीं के बराबर थी। जब आए थे तब इनके कई तरह की समस्याएं थी, जैसा ये बता रहे हैं, दर्द होता था इनके, चलने फिरने में भी समस्या रहती थी, पैर उठाने में भी समस्या रहती थी, आलती पालती मारकर भी नहीं बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पूंजला में इनका इलाज हुआ है और अब ये अपने आप से, कितने परसेंट आप लगता है आपको ठीक हो, आप सर मैं 80% सही मानता हूँ अपना। अपने आप को 80% ये ठीक कहते हैं? बाकी अगर उधर गए थे मान लो और जगह, उन्होंने क्या आपको ये बोला? उसने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने ऑपरेशन का मन में जची नहीं थी। फिर मैंने सोचा एक बार सर से आयुर्वेदिक इलाज लेके ही देखे। फिर ऑपरेशन की सलाह इनको दे दी गई थी लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा से इनका इलाज संभव हुआ है और अभी ये अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। AVN की समस्या आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है, आफ्टर कोविड भी इसके कई इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। कई तरह के जो टैबलेट्स होती है उसके साइड इफेक्ट के कारण भी AVN की समस्या होती है। अगर ऐसी किसी को समस्या है, AVN की किसी को समस्या है, या जिनके फूले के दर्द की किसी को समस्या है, तो वो अपने आसपास के आयुर्वेद चिकित्सालय, या फिर अगर कोई आ सकता है, आना चाहता है, तो राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पूंजला में भी आ सकता है। अलसीराम जी आगे भी स्वस्थ रहें और हम इनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। धन्यवाद। सर आपका भी बहुत